रायपुर शहर में रामलीला के मंचन हो इस गांव में घलो रौनक कम नहीं है। दशहरा के त्योहार नजीक है और गांव में रामलीला के मंचन देखे जाते। बालोद के एक गांव ऐसे हैं जहां 36 बेटी मिलके रामलीला के बागडोर संभाल के रखे हैं। आप मन देखो बालोद के टेकापार गांव में ये रामलीला के मंडली कई मायने में अलग है। अलग एकर से की काबर के गांव में 70 साल चले आत ये परंपरा के बागडोर बेटी मन संभाल रखे हैं। यहाँ राम के भूमिका घलो बेटी करते और रावण के घलो अतके ही नहीं सबो पात्र बेटी मन ही निभाते। बहुत दिनों तक यहाँ लड़कियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन जब मैं 4 साल की थी, छोटी सी थी, तो यहाँ जो लड़कों का लीला होता था तो मेरे लिए मम्मी ने थोड़ा सा जगह बनवाया था क्योंकि पापा यहाँ संचालन करते थे, तो फिर थोड़ा सा स्पेस मुझे मिला और फिर मैं वहाँ जब डांस करने का होता था अपने संगीत डांस उसके थ्रू मैं उसमें आगे बढ़ी। कोई रामलीला में सब पार्टिसिपेट करती है, सारी लड़कियाँ हैं, यहाँ तक कि राम साहब रावण भी, मैं रावण का किरदार कर रही हूँ। ये बेटी मन के कला देखे और राम के भक्ति में डूबे पर दूरिया दूरिया ले लोगन यहाँ सकला थे और ये बेटी मन के सराहना करत नहीं थके। कितनी सदियों ये समाज में वो रामलीला देखी है जहाँ सीता भी रावणी बनता था और आज राम लड़की बन रही है, तो लड़की राम का रोल कर रही है, रावण का रोल, और बहुत शानदार कर रहे हैं ये बच्चियाँ। अभिनय करती है और निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। आप मला ये जान के घलो बड़ा चरज हो ही कि शुरुआत में ये रामलीला में लड़की मन के आना मना रही और ये बेरा बदले के कारण रही कि बाद में लड़का मन ये परंपरा में रुचि दिखाना कम कर दी। तहां संस्कृति के पताका फहराए पर बेटी मन मंच में उतर गए। मोहनदास मानिकपुरी IBC 24 बालोद।